Hey darlings, welcome back to our channel. I hope you all are having a wonderful time. So आज मम्मा भी आ गए हैं. मम्मी हाय कर दीजिए. एक वीक से मेरी तबीयत इतनी खराब थी कि हम घर से बाहर ही नहीं निकल पाए. अभी थोड़ा थोड़ा वी आर मूविंग आउट. आज तो बहुत निक नैक वर्क था बट इट हैड टू बी फिनिश्ड, सो वी मूव्ड आउट. अभी फर्स्ट कहाँ जा रहे थे हम? सो बेसिकली हुआ था कि एक डेढ़ हफ्ते पहले हम मम्मा और रघु का वॉच ठीक कराने गए थे. उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा था. सो जतिन शाह सॉ अ सुपर वॉच विच ही रियली लाइक बट ही वाज लाइक अभी देखता हूँ, आई एम नॉट श्योर. सो आई थॉट कि मुझे वैसे भी कुछ खरीदना ही था, तो आई टोल्ड हिम लेट मी बाय दिस फॉर यू एज अ गिफ्ट. सो दिस सो अभी हम वो वॉच खरीदने जा रहे हैं. उसके बाद वी कीप टेकिंग यू अराउंड जहां हम जा रहे हैं. बहुत ही अमेजिंग वॉच है. हाँ, जोर से बोलिए. बहुत ही अमेजिंग वॉच है. उसका कलर कॉम्बिनेशन तो एकदम माइंड ब्लोइंग है. वो एक बार देख के, मतलब मैं नॉर्मली वॉचेस बहुत कम पहनता हूँ, पर ये वाली पर्टिकुलर जो वॉच है ना, आप वॉच पहन के नहीं आया आज? क्योंकि फिर उसको बोला अच्छा, नहीं वॉच पहनेंगे अब सीधा कलाई में. नई वॉच डालेंगे. ये तो वो वाली हाल हो गई जो छोटे में अपन जूता पहन के जाते थे, नई जूते पहन के पुराने वाले डब्बे में डलवा देते थे. नहीं तो अपन ने ऑप्शन रखा ही नहीं, अपन सीधे ही पुरानी वॉच को खराब लग गया. तो अच्छा हो गया. अच्छी लग रही है यार, बहुत स्मार्ट लग रही है. कलर बहुत अच्छा लग रहा है. क्या 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 लक्ष्मी रोड. इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं लक्ष्मी रोड. इसका जाने वाले हम दगु शेट मम्मा को दर्शन कराने के लिए, और फिर जाने वाले हम लक्ष्मी रोड जो कि पूना का सबसे बड़ा मार्केट है कपड़ों का, और हमारे फ्रेंड की एक शॉप है, तो मैं जाके देखूंगी आपको की शॉपिंग कैसी है. तो रिकॉर्ड ही कर रही थी. सो बेसिकली मैंने उतना बोल के रोक दिया, तो जतिन वाज गिविंग मी ज्ञान कि क्या क्या बताना है, तो मैंने उनको ही रिकॉर्ड कर दिया. तो आपने अब सुन लिया है कि हम क्या क्या करने वाले. और अब सो बेसिकली जो प्लेस जतिन बता रहे हैं, दैट्स लाइक द क्रॉफर्ड ऑफ पुणे. तो हम वहां जा रहे हैं बिकॉज मम्मा एंड आई हैड टू पिक अप सम बटन्स एंड ऑल जो इस एरिया में नहीं मिलता है, हमारे बानेर एरिया में. सो आई स्पोक टू अ फ्रेंड जिसकी साड़ी की काफी बड़ी शॉप है, बिकॉज उसको ये सब नॉलेज रहता है. तो ही सेड तुलसीबाग साइड मिल जाएगा, तो वी आर गोइंग टू गो एंड एक्सप्लोर दैट फॉर द फर्स्ट टाइम. मैं भी अभी तक नहीं गई हूँ. आप क्यों उंगली उठा रहे हो? उसकी लक्ष्मी रोड की सबसे बड़ी शॉप है. 40,000 स्क्वायर फीट की शॉप है उसकी. रोहन की ना, और पूरे लक्ष्मी में सबसे बड़ी शॉप उसी की है. ओके. सो बेसिकली हमारा जो कॉलेज फ्रेंड है उसकी साड़ी की शॉप है, विच इज अपेरेंटली जतिन इज सेइंग वन ऑफ द बिगेस्ट शॉप ऑफ लक्ष्मी रोड. एंड लक्ष्मी रोड इज वेरी वेल नोन इन पुणे फॉर साड़ीज एंड अदर इंडियन स्टफ. तो अभी हम वहां भी जाने वाले हैं आफ्टर ब्रेकफास्ट. तो एनीवेज, और मम्मा आए हैं, तो मैंने एक बहुत एक्साइटिंग चीज स्टार्ट करी है. बहुत सालों से, आई थिंक 8 to 10 ईयर्स हो गए मैंने नहीं किया था, बट आई यूज टू एंजॉय इट. जैसे लोगों को पेंटिंग करते टाइम यू फील गुड एंड मेडिटेटिव, मुझे ये करते हुए लगता है. सो इनफैक्ट अभी आप मेड सो मेनी फॉर अ लॉट ऑफ किड्स. हमारे घर में इतने सारे जितने छोटे छोटे आए हैं, आपने हमारे ब्लॉग्स में देखे होंगे, सबके लिए आप मेकिंग अभी एज ऑफ नाउ मेकिंग इट फॉर राकू. तो दैट्स व्हाट इज गोइंग ऑन इन द कार आल्सो. गुड मॉर्निंग गाइस. अब गुड मॉर्निंग कब से तो हो गई है मम्मा. गुड मॉर्निंग. हमारी मम्मा तो आती नहीं है कैमरे के सामने. हमें मत लेना. आए और छुपे. कितना बोल लेते हो, आपने बीच में सांस वांस ली कि नहीं ली? मुझे बोलना अच्छा लगता है. किसी को दिक्कत है तो कान बंद कर ले. नीटिंग करते हुए एक चीज बहुत अच्छी होती है कि अपना चुप रहती है. नहीं, मैं तो मम्मी से बात करते 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 हूँ, अभी मैं बात कर रही हूँ, नीट कर रही हूँ. दिस इज व्हाट आई एम मेकिंग फॉर राकू. दिस इज द मफलर. अभी उसको पहना के दिखाएंगे. और एक कैप बनाई है जिसके अभी पॉम पॉम्स बनने बाकी है, वो बना के भी आई विल शो यू. तो किस किस के बन गए? न्यू के बन गए. न्यू के बन गए हैं. और मेगल की डॉटर के बन गए. अब आपू का चल रहा है, इसके बाद अभियान का स्टार्ट होगा. अरे मम्मी अभियान के लिए अच्छा नहीं ऑर्डर कर ली, नहीं तो यही से ले लेंगे दूसरा कलर. अगर यहाँ अच्छा मिल जाएगा मम्मी ले लेंगे, 3 दिन वेस्ट हो जाएगा. नहीं तो ऐसा लग रहा है अचानक बच्चों की बाढ़ आ गई है. अभी तो आने वाली है, अभी वेट. और बहुत सारे बच्चे हमारे. अच्छा तुलसी बाग ही तो बोला था उसने, रोहन ने. तो आते में अपन तुलसी बाग करते हुए आ सकते हो. अच्छा, उधर से भी गए थे उसका. सो हमने अपनी कार पार्क कर दी है रोहन के शॉप के नीचे, और हम लोग हैं रिक्शा में. हम जा रहे हैं दगुशेट के दर्शन करने के लिए. अच्छी आ रही मिली. ये सब
सारी चीज हम पहले बोल चुके हैं। लक्ष्मी रोड पूरा लक्ष्मी रोड गणपति रूप से लाइट। कितने बजे खुलता है? बंद बंद लग रहा है अभी 10 बजे चालू होता है आउट तक चालू रहता है अभी काम है अभी। हां ये 12 बजे के बाद बहुत भीड़ होती है। बहुत भीड़ रहती है। फाइनली आ गए हैं रोहन की शॉप पे वापस दर्शन करने के बाद। नहीं आया अभी तक। What's up? करो चे। क्या शो कर रहा है बिजी? हमको पता है ये है रोहन वाले कॉफिन क्रिएशन व्लॉग। कैसा मेरे भाई? मैंने सुना है ये 20,000 की साड़ी कौन सकता है? 1 लाख वाली दिखा इसको। Few moments later. अच्छा क्यों हमारा काम है रोल क्यों ना करें? कितने महीनों के बाद हम जा रहे हैं आज स्विमिंग करने। मम्मा गई है वॉलीबॉल प्रैक्टिस करने। It's cold. We have to jump in. Huh? We have to jump in as simple as that. चलो चश्मा निकालो टोपी निकालो एक बार जंप कर लिए तो सब ठीक हो जाता है। All set, मैं शावर लेने जा रहा हूँ। It's cold. 1, 2. Let's go. So swimming done. अब मैं जा रहा हूँ वॉलीबॉल खेलने। अपना भी वही है। सो वॉलीबॉल मैंने कभी पहले खेला नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ही बचपन में खेलते थे लेकिन अपन लोग कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो मैं भी ट्राई करता हूँ। खेला हुआ है टेक्निक्स वगैरह थोड़ी सी मुझे पता है लेकिन चल के खेलते हैं वॉलीबॉल। मैं भी आया हूँ खेलने। हेलो पहली बार खेला लेकिन बहुत मजा आया। मैं दो हफ्ते से जतन को बोल रही थी दैट आई न्यू ही वाज गोइंग टू लव इट। हां मैं इसीलिए आज प्लान करके मैंने जैसे स्विमिंग से वापस आया ना उसके बाद मैंने कहा मैं चलता हूं। हां मजा आया। एक्चुअली इक्वली रहे हम लोग है ना। 2-2 ही था आई थिंक। वॉलीबॉल इज फन। पसंद आया कुछ? वेरी डिप्रेसिंग कलर। कितने अच्छे कलर है वो ब्लू। और कौन सा अच्छा कलर है वो? देखो वो ब्लू नहीं जो आपको पसंद है ना ये बेटर
दिस इज द नेक्स्ट डे. आज मम्मा को फीवर आ गया बिकॉज आई थिंक कल वी ट्रेवल्ड एंड ऑल, तो थोड़ा सा मड एंड ऑल से मम्मा को बहुत जल्दी एस्थमेटिक है, तो शी गेट्स इल, तो आई थिंक उससे फीवर आया है. सो शी इज रेस्टिंग. कल आई गॉट अ लॉट ऑफ स्टाफ, लेट मी शो यू गाइज. तो हमारे व्लॉग में आपने देखा होगा मयंक जो माय कजिन है, उनके सन हु इज वेरी छोटू राइट नाउ, तो उसका मैंने कैप बनाना अभी शुरू कर दिया है. दिस इज द कैप का स्टार्ट एंड ये मैं लेके आई कल. एंड देन मोहित की डॉटर के लिए वी गॉट दिस छोटू सा साड़ी विच इज लाइक जस्ट फॉर 1 year old. एंड ये हम उसको पहनाएंगे. शी लुक सो क्यूट बिकॉज अब वो थोड़ा थोड़ा चलने लगी है, तो वो साड़ी पहन के चलने में बहुत अडोरेबल लगने वाली है. तो वी मेड श्योर कि हमने अब साड़ी ले ली है. सो दीज वर द थिंग्स. एंड हाँ, ये चिटर पिटर वी गॉट बटन्स एंड ऑल जो हमें कैप्स में पॉम पॉम्स और वो सब के साथ लगाने थे. उसके अलावा आई थिंक आज मुझे बेसिकली क्या हो रहा है, जितने भी बार हम बाहर से खाना ऑर्डर कर रहे हैं प्लास्टिक कंटेनर्स में जो आ रहा है, यूजुअली आई ऑलवेज डिस्पोज इट, बट इस बार आई एम कीपिंग देम ऑल बिकॉज जब हम लास्ट ईयर ट्रैक पे जा रहे थे तो बिकॉज ट्रैकिंग एरियाज में मोस्टली खाना एंड ऑल होता ही नहीं है एंड वी आर प्लानिंग टू डू अ लॉट ऑफ ट्रैक दिस टाइम, तो ऑब्वियसली जतिन का आपको पता है वो बाहर का बहुत ज्यादा नहीं खा पाएंगे. तो मुझे ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक, डिनर के हिसाब से सारा पैकिंग करके एवरी डे लेके जाना पड़ेगा. एंड उस टाइम पे आई डोंट वॉन्ट अ बाय, अगर सब आ रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं वही स्टॉक कर लूं. तो हमारे पास इतने सारे बॉक्सेस और इतनी सारी बॉटल्स हो गई हैं कि मेरा तो पूरा 2 shelves भर गया है. तो आई एम गोइंग टू गिव इट टू जतिन कि ही बेसिकली गोज टू अंकित्स प्लेस बिकॉज अंकित 2-3 महीने से घर पे नहीं है. तो जतिन जाते हैं, थोड़ी बहुत मेड को बुला के सफाई करा लेते हैं और उनके जो प्लांट्स हैं उनमें पानी डाल देते हैं. तो टुडे ही इज गोनो गो, तो मैं उनको वो बैग देने वाली हूँ कि प्लीज अब अंकित का 1 shelf भर दो क्योंकि उनके घर में जगह है खाली है, मैंने उनका किचन देखा हुआ है. तो आई डोंट नो, डांट ना पड़े मुझे, बट एनीवेज अभी चल के वो बैग उनको देते हैं. मम्मा को तो पूछ के ही देंगे. मिस्टर शाह, आप अंकित के यहाँ जा रहे हो ना, तो ये रख दोगे उनके? क्या यार ये सब? उनका 1 shelf किचन में खाली होगा, उसमें रख देना. कवाड़ है यार. बेबी ट्रैक के लिए मैं कलेक्ट कर रही हूँ, हमारे 2 shelf से ज्यादा हमारे पास जगह ही नहीं है. तो उनके यहाँ पे जगह होगी तो 1-2 उनके भी डाल देना. अरे मैं बात कर लूंगी अंकित से, वो कुछ नहीं बोलेंगे. जिम्मेदारी खत्म ही नहीं हो रही जीवन से. ये कौन से टाइप की जिम्मेदारी? जिम्मेदारी तो हम फॉलो कर रहे हैं, आप सब सामान ही रखवा रहे हैं. घर में घर से बगल में रह रहे हैं तो ये भी एक तकलीफ है. अब अंकित के घर को भी कभी मैं स्पेस का यूज करने वाली हूँ. वो आदमी आया नहीं 3 महीने से यार, इसीलिए तो. अब उनके घर में जगह है तो अपन उसको यूज कर लेंगे. हमारे घर में आपू ने कबाड़ा कर रखा है. ये भाई ने पानी की जिम्मेदारी दी है. तो आज आप जाओगे तो ये उनका अच्छे से सेट करके 1 shelf में रख देना. 4-5 दिन से गया नहीं मैं जाके आता हूँ. सो अगर जतिन जाते नहीं है टाइम से तो अंकित क्या कौन सा सॉन्ग गाते हैं? अंकित कॉल्स एंड मेक्स जतिन फील्स गिल्टी बाय सिंगिंग दगा बाज रे. तो जतिन नहीं, भाई ने अब गाना गा दिया, मुझे जाना पड़ेगा. और क्या यार, अब क्या वो है नहीं 3 महीने से, तो वो प्लांट्स 3 महीने से इज नॉट देयर. प्लांट्स जतिन के ऊपर है, काफी तो मर गए ना. हाँ, 2-4 मर भी गए. 10-12 दिन अब मैं भी नहीं था ना. हाँ, व्हेन ही वाज नॉट देयर, इन लोग ने मुझे याद ही नहीं दिलाया तो मैं गई नहीं, नहीं तो मैं चली जाती. नहीं कर लेते, फटाफट जाके आता हूँ. जाके आओ, अभी आज का ब्लॉग का थंबनेल बना के खत्म करते हैं. ठीक है, सो आई थिंक आई एम गोना एंड द व्लॉग हियर. हालत देखो पीछे की, आज होगा ठीक. ये पूरा आकू सिंह और जेशा, ये डॉल हाउस बन रहा है कुछ तो, और उसके लिए इतना कबाड़ है इस रूम में. 3 दिन से यहाँ झाड़ू पोछा नहीं हो पाया है. एंड दिस इज नंबर ऑफ डेज फॉर आकू टू गो टू हॉस्टल. दिस वन इज नंबर ऑफ डेज फॉर हर बर्थडे जब वो हॉस्टल से आएगी. तो ये सब मेरे बेसिकली वर्क बोर्ड्स पे अब यही सब चलता है, इसलिए मुझे पेपर पेन पे लिखना पड़ता है. सो एनीवेज आई एम गोना एंड द व्लॉग हियर. आई विल सी यू गाइज सुपर सून. प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू आर लाइकिंग द कॉन्टेंट. एंड अंटिल आई सी यू गाइज अगेन, कीप शाइनिंग.